खाए हुए हैं। और ये देखो गाइस फॉग इतना ज्यादा, 500 रुपए का लग गए, 500 रुपए का लग गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और गाइस आज तो सुबह जल्दी से हो गई थी, 5 बजे उठ के अभी निकल पड़े हैं बॉम्बे के लिए। और मेरा छोटे साथ में और हमारे जिग्नेश भाई है, पटेल ब्रदर्स। और आज तो शॉपिंग करने के लिए जाने वाले हैं, काफ़ी नई नई वॉच लाने वाले हैं, तो उसकी के लिए हम लोग जाने वाले हैं बॉम्बे। फिलहाल तो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए हैं और अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और अभी वलसाड़ पहुँचे हैं और यहीं पे अभी थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है तो उसी में अभी तो टाइम जा रहा है। ये देखो गाइस सुबह सुबह ऐसी हालत है, यहाँ पे पूरी ट्रैफिक ट्रैफिक। सर्विस रोड के पास से जा रहे हैं, ट्रक बहुत दूर उड़ा रहा है यहाँ पे। ये देखो गाइस सुबह ऐसी है, आज सनराइज भी नहीं हुआ, अभी भी देर है उसमें भी। और ये देखो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, पलटी खा गया है यहाँ। पुलिस की कार खड़ी है यहाँ पे, एक ये है एक सामने की ओर। ट्रैफिक में तो दिक्कत वाली बात थी कि वो ट्रक पलट गया था तो उसकी वजह से ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया था। वहां से तो निकला है और फिलहाल पहुंचे हैं वापी टोल प्लाजा पे। गाइस अभी हम लोग तो वापी पहुंचे हैं, यहाँ से जिग्नेश भाई का एक फ्रेंड आने वाला है तो उसका भी पिकअप कर लेंगे और नाश्ता भी थोड़ा कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी सुबह के 7:30 बजे है और अभी नाश्ता यहाँ से कर लेंगे तो फटाफट वहाँ निकल जाएंगे, काफ़ी लेट हो जाएगा। अभी तो 3 घंटे का रास्ता है यहाँ से तो पहुँचना भी है, तो फटाफट अभी नाश्ता कम्प्लीट करते हैं यहाँ। नाश्ता कर लिया है और अभी फिर से निकल पड़े हैं बॉम्बे के लिए। गुजरात से निकल आए हैं और महाराष्ट्र में एंट्री हो गई है हमारी, अभी जाएंगे बॉम्बे। महाराष्ट्र में एंट्री हो गई है, पता नहीं आप पे रुकेंगे नहीं, पुलिस वाले अंकल हैं सामने, एक भाई को तो पकड़ के रखा है। चलिए ठीक है, निकल गए यहाँ से बच गए बच गए मिशन पास मुंबई। गाइस अभी तो स्टार्टअप हुआ है और अभी तो बहुत सारी और जगह आएंगी, वहाँ पे भी रुकेंगे, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ दिखाऊंगा। काफी मजेदार होने वाले हैं आज का व्लॉग, एंड तक जरूर देखना। और पूरा आज तो फॉग काफी हो गया है, यहाँ पे आए हैं तो ये देखो गाइस सामने की ओर पूरा फॉगी वेदर हो गया है और अच्छे से दिखाता हूँ फ्रंट वाले कैमरे से। ये देखो गाइस पूरी जगह पे फॉग, घर के पास तो इतना नहीं था लेकिन अभी तो यहाँ पे आके काफी ज्यादा हो गया है। ये देखो गाइस थोड़ा ही दिखाई दे रहा है सामने, यहाँ पे भी पूरा फॉग, ये देखो। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है लेकिन दिक्कत वाली भी बात हो सकती है क्योंकि सामने से कुछ आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा, तो मेरे भाई के फोन में भी अभी शूट कर लेता हूँ थोड़ा। गाइस बहुत ही ज्यादा फॉग आ गया है, ये देखो पूरी जगह पर पूरा फॉग, सामने वाली ट्रक दिख रहा है उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो गाइस सिर्फ सामने वाला ट्रक दिख रहा है, उसके आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इधर भी पूरा फॉग ही हो गया है। ये देखो ये पीछे की साइड पे पूरा पहाड़ी एरिया है, हमारे साथ जो भाई है ना वही उसने बताया कि एरिया काफी अच्छा है। और ये देखो टावर है सामने लेकिन वो भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, वो भी गायब हो गया। ये एक ट्रक है सामने, उसके आगे तो एक ट्रक, उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो गाइस परमिट। हेलो गाइस,
अभी तो आधे रास्ते में रुक गया, महालक्ष्मी था मंदिर वो तो हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, वहाँ पे रुकने वाले थे लेकिन फॉग की वजह से पता ही नहीं चला कि कहाँ पे आया और कहाँ पे निकल गए। और अच्छी जगह रुकी मिली है हमें तो वहाँ पे रुक गए हैं, नज़ारा काफ़ी अच्छा है। और ये देखो मौसम इतना हो रहा है कि आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, उस तरीके का हाईवे का सीन है वहाँ पे, काफ़ी मज़ेदार। गाइस कार को यहाँ पे खड़ा कर दिया और अच्छा खासा सीन आ रहा है, यहाँ पे मेन हाईवे है। और ये देखो गाइस फॉग इतना ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, वो पीछे के पीछे से ट्रक आ रहा है लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखो गाइस इस तरीके का कुछ सीन है आज, पूरा एरिया काफ़ी अच्छा है। ये देखो इस साइड भी पूरा फॉग ही छाया हुआ है, मौसम काफ़ी अच्छा है ये वाला, लेकिन दिक्कत भी आ सकती है इसमें थोड़ी। ये देखो गाइस एक फोटो खींच लिया अच्छे से। गाइस अभी सन दिखाई दे रहा है अच्छे से और बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो गया है, बाहर का सीन एकदम नजारा ब्यूटीफुल। ये देखो और ये वाला सीन देखो साथ में, दोनों कॉम्बिनेशन काफी अच्छे, सनलाइट और पूरा फॉग और ये ग्रीनरी वाला एरिया काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ। ये देखो पूरे पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पे, अभी अच्छे से दिखाई ये वाला सीन देखो गाइस, सीरियसली बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ पे। डोरेमोन आगे आगे हैं, मामू लोग हैं आगे, सीट बेल्ट की वजह से रोक लिया है, पीछे की साइड पे भाई लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी, पता नहीं क्या करवाएंगे, भाई को बुलाया है बाहर। गाइस इन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, ये दोनों अभी सीट बेल्ट लगा रहे हैं, भाई आ रहा है। ₹500 लूट लिए हमारे ये पीछे वालों की वजह से, हमने सीट बेल्ट मारा था, हमने सीट बेल्ट मारा था, ये लोग नियम का पालन करते हैं ये लोग नहीं करते, इसकी वजह से ₹500 कट हो गए। कोई बात नहीं अभी निकल चुके हैं यहाँ से, अभी तो बहुत बाकी है रास्ता हमारा, और भी काफी मजे है कि एडवेंचर के लिए अभी काफी एडवेंचर होने वाले हैं हमारे आगे भी, तो बने रहो हमारे साथ। हालत होती है मुंबई जा रहे टाइम, आज हमारा पहला टाइम है, भाई तो जाते रहता है इसलिए मालूम है, लेकिन ये सीट बेल्ट वाला सीन पहली बार हुआ है। लास्ट टाइम फायर वालों, हाँ एक बार अभी गए थे ऐसा ही हुआ था, ₹2000 ले लेंगे गाइस, इसमें फायर एक्सीडेंट का होता है ना वो फायर वाला, वो नहीं था तो उसकी वजह से ₹2000 का चालान निकल गया। ऐसे ऐसे सीन होते गए, महाराष्ट्र में आया तो देख के आना पैसा, मतलब लेके आना, सभी चीजों का पालन करना जरूर है, कुछ भी करके वो लोग आपसे पैसा निकाल ही लेंगे गाइस। वो मामू लोग ने मेरा फोटो खींच लिया है, मतलब पैसे लेके आना, नहीं ऐसे पैसे जरूर है बॉम्बे जाते टाइम जरूर से लेके आना, अभी कभी आओ ऐसे एडवेंचर वाले रास्ते पे मजे आ जाते। मुंबई का सिटी एरिया स्टार्ट हो गया है और थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग और अच्छे अच्छे नजारे देखने को मिल रहे हैं। ट्रैफिक में फिर से फंस गए, अभी सभी जगह पे ऐसे ही हालत होगी, सभी जगह पे ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, कैसा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ट्रैफिक ट्रैफिक, अच्छी खासी बिल्डिंग है यहाँ पर, ये देखो सामने की ओर बहुत ही अच्छा नज़ारा। ट्रैफिक हो गया, अभी जा रहे हैं फिर से गाइस, ये मेट्रो वाला ब्रिज है यहाँ पर, काम चल रहा है अभी, लोग तो कहीं पे भी घुस जा रहे हैं, देखो वो जा रहा है भाई तो सीधा घुस गया, आंटी भी एक्सेस लेके भी जा रहे हैं और ये भाई बुलेट पे फॉर्म में सीधा अंदर, ओ भाई रुक जा जल्दी पहुंचो सब, हाँ फास्ट है बहुत सारे, ये देखो आंटी जा रही है अंदर, ये देखो गाइस ये मेट्रो वाली लाइन है ऊपर की, ये जो सामने जो ब्रिज दिख रहा है ना ये वाला, ये मेट्रो वाला है, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो ये सब, मुंबई में पहली बार आया, वो भी ये जिग्नेश भाई की वजह से पॉसिबल हो पाया है।
स्टेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। पहली बार देख रहा हूँ आज कुछ इस तरीके का भी सीन होता है। जितना हो सके उतना मैं आज दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफी लंबा होने वाला है लेकिन एंड तक जरूर बने रहना, काफी कुछ नया देखने को मिलेगा आप सभी को, और मैं भी देख लूंगा साथ में आप सभी को भी दिखा दूंगा। ये सीन तो देखो एक बार, क्या नजारा है यहाँ का गाइस। तो क्या ही बोले, इतने इतने अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी तो अंदर जाने के बाद तो कितने और ज़्यादा नज़ारे इस तरीके के देखने को मिलेंगे। हाय हाय, इतना अच्छा नज़ारा। काश यहाँ से मेट्रो जा रही होती है तो मजे आ जाते। गाइस करोड़ों की जगह करोड़ों के मालिक है। ओ गाइस एक बार नंबर देख लो सामने कार का, 3333 टोयोटा की फेलेक्स। गाइस सामने जा रही है मेट्रो, ये देखो गाइस। गाइस ये रहे मेट्रो सामने, फाइनली दर्शन हो गए हैं यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है गाइस सामने। बांद्रा के पास में पहुंचे हैं और वो रही ONGC की ऑफिस है ऊपर। जीप रेंगुलर है गाइस, और साथ में पीछे का नजारा, काफी सारी बोट भी दिखाई दे रहे हैं अंदर वाला ब्रिज है, काफी अच्छा है। और ये देखो कितना बड़ा केबल ब्रिज है ये। बहुत अच्छी अच्छी जगह देख के जा रहे हैं अभी। मस्त ब्रिज था अंदर, वो से आए दरिया में से, और भी ऐसी प्लेसेस थी कई सारी तो वो भी विजिट कर ली है, मतलब कि कार में से देख लिया हूँ। और अभी अंदर जा रहे हैं, अभी डेस्टिनेशन पर पहुँचने में अभी तो 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और भी जितना हो सके उतना सब कुछ दिखाने वाला हूँ आज के ब्लॉग में मैं। पूरी जगह पे टैक्सी वाले ही है, वो सेंट्रो ही है सर, ऑलमोस्ट सेंट्रो बोल से रहे तो है जे एक गैर बंदा का तो पार्किंग नहीं रे जाके बने वो अच्छे फिर पार्किंग में बने करो कमाणी कमर यार कल्ला ना रोड सर के कल्ला का भाई गामरा में सिटी में यहाँ पे बॉम्बे में तो पार्किंग के चार्जेस ही बहुत ज्यादा है, वो घंटे के हिसाब से रहते हैं, 1 घंटे का 150 रुपये के जैसे आसपास हो, और 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, 2 घंटे के आसपास हो गया तो 300-400 रुपये हो जाते हैं। भाई को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लास्ट टाइम आए थे तो ऐसा ही कुछ सीन हो गया था, 450 रुपये लिए 2.5 घंटे का गए 450 रुपये। दिक्कत वाली बात यही है यहाँ पर पार्किंग बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, ढूंढना पड़ता है, मिल गया तो भी पार्किंग के चार्जेस काफी ज्यादा हो जाते हैं और वो सब होता रहता है। मुंबई आए हैं और ऐसी बस ना दिखे ऐसा तो बन ही नहीं सकता। अभी मोटी बिल्डिंग चाहिए नहीं है तो अच्छा खबर नहीं यार। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, लेकिन पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है,
पार्किंग ढूंढना पड़ेगा अभी। कोई लेके तो नहीं चलेगा? कोई लेके तो नहीं जाएगा ना? कोई लेके तो चला नहीं जाएगा ना? तो उतर नहीं कर देगा ना? गाइस फाइनली पहुंच गए हैं और ये रहा प्लेटिनम मॉल और यहीं पे जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। जिग्नेश भाई आज काफी ज्यादा शॉपिंग करने वाले हैं। एक ही जगह पे 500 रुपए देने पड़े। चले गाइस चलते हैं अभी इसमें। पहली बार आया है। ये देखो गाइस काफी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है यहाँ पे। वॉच का है ये और मोबाइल कवर्स है यहाँ पे। इधर भी बहुत सारा सामान है, टूल्स है सभी। थैंक यू सर। वॉच, स्मार्ट वॉच है सभी यहाँ पे। इधर भी काफी सारी, पूरी होलसेल की शॉप है यहाँ पे। सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं और ऊपर से नीचे आएंगे, देखते देखते पूरा घूम लेते हैं पहले। गाइस मजे आने वाले हैं ऊपर। काफी अच्छी जगह है और यहाँ पे पूरा होलसेल के रेट में सारा माल मिलता है। जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी ले सकते हो आप यहाँ पे आके। आज पूरे व्लॉग में जिग्नेश भाई दिखने वाले हैं। ईयरबड्स है और काफी सारी चीजें, मोबाइल कवर सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो होलसेल के रेट में सारे। वहां से नीचे आए और ऊपर तक है पूरी जगह। देखो गाइस अभी यहाँ पे आए हैं, एक होलसेल की दुकान देखी है। यहाँ पे पूरे ब्रांड की वॉच है जो सारे मिलते हैं। थोड़ी आप लोगों को दिखाता हूँ, प्राइस तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन जितना हो सके उतना सब कुछ दिखाऊंगा। देखो गाइस इस एक एक सारी वॉच है यहाँ पे। देखो ये भी, ये भी, ये भी। पैसा खत्म। दूसरी शॉप है 10 वी प्रो क्वालिटी। बहुत सारे पैसे खत्म हो गए, सारा सामान यहाँ से ले लिया। फिर से गाइस ये वाले एयरपोर्ट्स यहाँ से ले लिए हैं। इतनी सारी शॉपिंग हो गई है अभी तक, पैसे खत्म। जल्दी से आके लेकर जाना पटेल ब्रदर्स, जल्दी से आके विजिट करो पटेल ब्रदर्स। नया स्टॉक आने वाला है, आ गया है। मतलब कि मेरे भाई को आज काम वाली भाई बना दिया है, सारा सामान लेके इसको ही दे दिया है, उठा कर लेकर जाएंगे। क्योंकि आज पूरे ब्रांड वाली जितने वॉच थे वो सारी ले ली, एयरबड भी अच्छे वाले थे वही लिए हैं। तो इतनी ज्यादा पैसों में थोड़ा ही सामान आ पाया है। पटेल ब्रदर्स वास्ता नई वॉच आ गई है, सब पर विजिट जरूर करना। गाइस जल्दी से जाओ और विजिट करो पटेल ब्रदर्स, न्यू स्टॉक अवेलेबल। इसकी खरीद भी कर ली साथ साथ में भाई। गूगल पिक्सल में कवर मिल रही है। अबाजू कैसे है विजय? गूगल पिक्सल नो कवर, गूगल पिक्सल फोन नो कवर, मॉडल गूगल पिक्सल 6 है, मिलेगा। ओ देखो मिल गया सिंगल पीस। कितने का मिलेगा? कितने का? 100 रुपीस भाई, इसका नसीब है मिल गया यहाँ पे। इसने बोला था नहीं मिलेगा भाई, मिल गया। जो ने बोले हाँ मिल गया। गाइस अभी तो नीचे जा रहे हैं, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं वो तो अच्छा है। देखते हैं अभी बाहर चलते हैं,
टोइंग वाले आएंगे तो पार्किंग में दिक्कत आ जाएगी। इधर आने का तो पूरा पैसे लेने लेके आने का गाइस, लाख रुपए लेके आओगे तो अच्छा सामान मिलेगा यहाँ पे। गूगल पे कर दो आप, नंबर दे देता हूँ, जल्दी से आके जाओ तो हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे। गाइस 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 सेम है, गाइस सो रही कार। यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत बहुत आती है तो इसकी वजह से डर लग रहा था कि फाइन वाइन देना ना पड़े, तो ऐसे सोच के अभी बाहर आ गए, लेकिन अच्छे से कोई भी रोक टोक नहीं है, आराम से आ गए हैं। पार्किंग अच्छी है, ठीक है ठीक है ठीक है। सारा सामान अभी रख देते हैं, 2000 रुपये बच गए हमारे, वरना फाइन लग जाता तो दिक्कत है। हाँ पार्किंग के 50 है, 150 रुपये पार्किंग चार्ज किया, नहीं 2-1.5 घंटा हो जाता, 300 रुपये निकल जाते आराम से। गाइस करोड़ों के मालिक है ये, सारी जगह करोड़ों की, बहुत खर्चा कर दिया आज। गर्मा गर्म समोसा पाव। गाइस ये बिल्डिंग में से शॉपिंग करके आए हैं हम लोग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ। पहले तो इधर इस कवर एयरफोन चार्जर ये सब रे मैं इसके बिल्कुल मैं जी लेवा मन तो नहीं यहाँ पर सकता, मोबाइल जी लगती है उसकी लगती है, चाइना कंपनी ने स्मार्ट वॉच भी मिली है, ब्रांडेड शॉप में भी मिली है। गाइस वॉच और सारा सामान लेना था वो तो लेकर आ गए हम लोग, और मैं अभी इसका दूसरा पार्ट डालने वाला हूँ और कई सारी जगह पे घूमने जाने वाले हैं, तो वही भी सब कुछ दिखाऊंगा। आज का वीडियो भी यही पे एंड करता, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग मन्नत बंगलोर के पास, यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है।